टैक्स के रेट में होगा सुधार। जीएसटी के अब नए 3 स्लैब भी रखे जाएंगे। नई व्यवस्था में टैक्स की दरें 12%, 18% और 28% हो सकती हैं। अभी जो 4 दरें हैं उनमें एक रेट 5% का भी है। इससे चप्पल और जूते भी महंगे होने वाले हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार 7वें दिन बहुत खराब कैटेगरी में बनी हुई है। AQI 355 के पार एयर क्वालिटी बहुत खराब कैटेगरी में है। अगले 24 घंटे राहत की उम्मीद नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक टली, अब 22 नवंबर को होगी। पंजाब के 32 किसान संगठन लेंगे फैसला, आगे क्या होगी आंदोलन की रणनीति। मीटिंग में अब रविवार 22 नवंबर को दोपहर 2 बजे होगा फैसला। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल सहित दक्षिण भारत में पिछले करीब एक सप्ताह से बारिश ने कहर ढहा दिया है। आंध्र प्रदेश में अब तक बाढ़ व बारिश से 17 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 100 से ज्यादा लोग लापता है। वहीं केरल में भारी बारिश के बाद सबरीमाला तीर्थ यात्रा पर 1 दिन के लिए रोक लगा दी गई है। कैटरीना कैफ और विक्की कौशल जल्द करेंगे शादी के अनाउंसमेंट। सवाई माधोपुर में शुरू हुई VIP शादी की तैयारियां। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैटरीना कैफ और विक्की कौशल दिसंबर में राजस्थान के एक फोर्ट रिसोर्ट में शादी के बंधन में बंधेंगे। सारे फंक्शन 7 से 12 दिसंबर के बीच होंगे। गुलशन कुमार हत्याकांड एक बार फिर चर्चा में है। गुलशन कुमार के मर्डर केस में फंसे नदीम बोले, मुझे फंसाया गया था, इंडिया आकर अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता हूँ। इस केस में म्यूजिक कंपोजर नदीम सैफी पर आरोप लगा था कि उन्होंने गुलशन कुमार की हत्या की प्लानिंग करवाई थी। केस में नाम सामने आने के बाद नदीम इंग्लैंड भाग गई। बता दें कि 12 अगस्त 1997 को मुंबई के साउथ अंधेरी इलाके में स्थित जीतेश्वर महादेव मंदिर के बाहर गोली मारकर गुलशन की हत्या कर दी गई थी। स्लेम ने शूटर राजा के जरिए गुलशन कुमार का दिन दहाड़े मर्डर करवा दिया था। कोरोना से लड़ाई में कनाडा का बड़ा फैसला, 5 से 11 साल के बच्चों को लगाई जाएगी फाइजर वैक्सीन। 2 डोज में 8 हफ्ते का अंतर होगा। बता दें कि 5 से 11 वर्ष के बच्चों में भी यह वैक्सीन 90% प्रभावी पाई गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन एक नियमित जांच के लिए अस्पताल में भर्ती। इस दौरान 85 मिनट के लिए कमला हैरिस बनी अमेरिका की कार्यवाहक राष्ट्रपति, प्रेसिडेंशियल पावर पाने वाली पहली महिला। बाइडेन अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपति पद संभालने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं। आज बाइडेन अपना 79वां जन्मदिन मना रहे हैं। राजस्थान के जालौर में देर रात महसूस किए गए भूकंप के झटके रिक्टर स्केल पर 4.6 रही तीव्रता। लोग घरों से बाहर निकले। देर रात करीब 2:26 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इससे पहले राजस्थान के जोधपुर जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। भूकंप तड़के 3:30 पर महसूस किया गया। वहीं जानकारी सामने आई है कि आबू रोड, स्वरूपगंज और पिंडवाड़ा समेत कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अमेरिकी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के वाइस चेयरमैन बोले, चीन मिसाइल से अमेरिका पर कर सकता है परमाणु हमला। चीन ने इस आरोप से साफ किया इनकार। हाइटेन ने कहा कि चीन अपनी युद्ध क्षमताओं और मिसाइल रखने के लिए लगातार नए ठिकाने बना रहा है। वह अपनी क्षमताओं को इतना बढ़ाने में सक्षम हो सकता है कि अमेरिका पर अचानक परमाणु हमला कर सके। चीन ने पिछले 5 साल में सैकड़ों हाइपरसोनिक परीक्षण किए हैं, जबकि अमेरिका ने इस दौरान केवल 9 परीक्षण किए। इमरान खान सरकार का नया यू टर्न। पाकिस्तान सरकार ने एक एंटी रेप लॉ यानी दुष्कर्म विरोधी कानून में से सीरियल रेपिस्ट को नपुंसक बनाने की सजा का प्रावधान हटा दिया है। कानून मंत्री नसीम फरोख ने कहा कि हमने नपुंसक बनाने वाला क्लॉज इसलिए हटाया क्योंकि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी यानी CII ने हमें सुझाव दिया था। हमारा संविधान कहता है कि पाकिस्तान में जो भी कानून बनेगा वो कुरान, सुन्नत और शरीयत के खिलाफ नहीं होगा, इसलिए हमने यह क्लॉज हटाया। कृषि कानूनों की वापसी पर वर्ल्ड मीडिया की नज़र। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, PM आखिर नरम पड़े। वहीं पाकिस्तानी अखबारों ने कहा, मोदी सरकार झुक गई। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और पाकिस्तान की वेबसाइट और अखबारों ने इसे होम पेज पर जगह दी है। ई कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट अब आपके घर दवाइयां भी पहुंचाएंगी। फ्लिपकार्ट ने हेल्थ प्लस सर्विस लॉन्च की है, जिसके जरिए वह लोगों के घर घर पहुंचाएगी दवाइयां। फ्लिपकार्ट ने कहा कि हेल्थ प्लस सर्विस के जरिए वह भारतीय ग्राहकों को असली दवा किफायती दर पर उपलब्ध करवाएगी। भारत और पाकिस्तान के बीच बना करतारपुर कॉरिडोर लगभग 20 महीने के बाद दोबारा खुल चुका है। चड्डे और लहंदे पंजाब को जोड़ने वाला यह कॉरिडोर खुलने से सरहद के दोनों तरफ बसे पंजाबियों में खुशी की लहर साफ दिखाई दे रही है। भारतीय सीमा में 5 तरह की जांच से गुजरने के बाद जब श्रद्धालु पाकिस्तान धरती पर पैर रखता है तो उसे अलग ही एहसास होता है। शरीर में एक बार की तो झंझनाहट सी दौड़ जाती है। 0 लाइन के उस तरफ 2 कदमों की दूरी पर खड़े पाकिस्तानी रेंजर्स हर श्रद्धालु का सिर झुकाकर जी आया नु बोलकर स्वागत करते हैं। हरियाणा सरकार उठाने जा रही है बड़ा कदम, बनाएगी खुद की बीमा कंपनी जिसका नाम हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास होगा। CM कभी भी कर सकते हैं ऐलान।